सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टेक्निकल जीनियस में। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर दोस्तों आप लोगों का ई श्रम कार्ड बना हुआ है और दोस्तों आप लोग अपने ई श्रम कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ यानी कि दोस्तों जन्म तारीख आप लोग चेंज करना चाहते हो, अपने ई श्रम कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना चाहते हो, ऑनलाइन दोस्तों ये प्रोसेस अभी अवेलेबल है। आप लोग चाहो तो आप डेट ऑफ बर्थ आसानी से आप चेंज कर पाओगे, खुद से अपने मोबाइल फोन, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी वेबसाइट पर जाके आप जो है इजिली कर सकते हो ई श्रम कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को चेंज। तो दोस्तों कैसे डेट ऑफ बर्थ चेंज करोगे आज की इस वीडियो के अंदर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल का दबा देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखो, अपने ई श्रम कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए आपको अपने मोबाइल या फिर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आना है। यहाँ पर गूगल क्रोम पे आपको सर्च मारना है ई श्रम। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट वाले वेबसाइट में आपको चले जाना ई श्रम होम वाले वेबसाइट में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो राइट साइड में एक ऑप्शन आपको मिलेगा रजिस्टर ऑन ई श्रम, और उसके नीचे एक मिलेगा ऑप्शन आपको अपडेट का। आपको अपडेट वाले ऑप्शन में यहाँ पर जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने ई श्रम कार्ड का यहाँ पे UN नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आपको जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग पास UN नंबर नहीं है ई श्रम कार्ड का तो आपको जाना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन में, अपडेट प्रोफाइल यूजिंग आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको अपने एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा, और मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डाल के आपको यहाँ पर जो है सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप इसको यहाँ पर सबमिट करते हो उसके बाद यहाँ पर बोलेगा आधार नंबर डालने के लिए। तो यहाँ दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है, और आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर OTP वाला ऑप्शन को करना है सिलेक्ट, और यहाँ पर दोस्तों एक कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना, जो भी कैप्चा कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको डालना है, और यहाँ पर इसको आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो जो आपके आधार कार्ड के अंदर दोस्तों जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस मोबाइल नंबर पे दोबारा एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जो आपके आधार कार्ड के अंदर नंबर रजिस्टर्ड होगा मोबाइल नंबर उस पर गया होगा OTP, तो वो OTP यहाँ पर आपको डाल देना है और यहाँ पर आपको वैलिडेट कर देना है। तो OTP हम यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पर हम इसको वैलिडेट कर देते हैं। वैलिडेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जनरल यहाँ पर आपका आएगा, सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, सारा डिटेल्स यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा बॉक्स टिक करने का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखो इस बॉक्स को टिक नहीं करना है, आपको इसको बिल्कुल भी टिक नहीं करना है, सीधा आपको अपडेट EKYC इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस बॉक्स को टिक करते हो तो आपका ईश्रम कार्ड जो यहाँ पर नहीं ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको अनटिक करके सीधा आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, अपडेट प्रोफाइल, डाउनलोड UNA कार्ड और यहाँ पर एलिजिबल स्कैन करके एक ऑप्शन आपको मिलता है। आपको क्या करना है, अपडेट प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो तीन चार ऑप्शन और देखने को आपको मिलेंगे, यहाँ पर जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन एंड इनकम, ऑक्यूपेशन, स्किल, बैंक अकाउंट डिटेल्स का और प्रीव्यू प्रोफाइल का, इतने सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ई श्रम कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यस कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसको यस करते हो यहाँ पर देखो दोस्तों आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपका दिखेगा, जैसे कि आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, आपका इमरजेंसी मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका मैरिटल स्टेटस दिखेगा, फादर नेम, मदर नेम और नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी का मोबाइल नंबर, सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो दोस्तों हमें इतने सारे यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर मिल चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी हमें ये नहीं मिला है कि डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने का ऑप्शन कहीं पर भी हमें यहाँ पर नहीं मिला है। बाकी अगर आपको इनमें से कुछ भी चीज़ अगर आपको अपडेट करना है, नॉमिनी का या फिर मोबाइल नंबर कुछ भी अपडेट करना है तो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखो खुद का यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने का ऑप्शन नहीं मिला है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि अपने ई श्रम कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने का, अपडेट करने का, तो वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, अपडेट नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ई श्रम कार्ड की टीम से मेरी बात हो चुकी है, कस्टमर के केयर से मेरी बात हो चुकी है, वहाँ पर वो लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक नया नया अपडेट आया है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप जो अपने ई श्रम कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को अपडेट नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपके मन में डाउट है कि अगर आप अपडेट नहीं कर पाओगे तो आपका ई श्रम कार्ड जो है कहाँ चलेगा, मतलब ई श्रम कार्ड को आप यूज़ नहीं कर पाओगे,
लेकिन दोस्तों ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बिना डेट ऑफ बर्थ के आप ई श्रम कार्ड को यूज़ कर सकते हो। ई श्रम कार्ड के अंदर दोस्तों आपका जो है ईयर होगा, ठीक है, बाकी डेट और मंथ जो है वो नहीं होगा। हो सकता है डेट या मंथ आपका 0101 करके हो, 1 जनवरी करके आपका डेट और मंथ हो, लेकिन ईयर आपका दोस्तों वही होगा जो आपके आधार कार्ड के अंदर ईयर है डेट ऑफ बर्थ का, वो होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों इस श्रम कार्ड के अंदर आधार कार्ड की तरह सेम डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी आप एक बार यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है 14434, इस नंबर पे आप कॉल करके आप कंफर्म कर लीजिएगा। आप डेट ऑफ बर्थ को अपडेट नहीं कर सकते, बिना अपडेट करे आप यूज़ करोगे, और जहाँ पर यूज़ नहीं होगा वो आप जो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उनकी बात करा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा देखो, मैं हेल्पलाइन नंबर मैंने बात किया था, उन्होंने मेरे को ऐसा कहा है, तो इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी कि ऑनलाइन डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करें श्रम कार्ड के अंदर, तो आप देख लेना, कहीं पर भी आपको सही तरीका नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा आपको, कोई भी लाइव प्रूफ नहीं दिखाएगा आपको कि डेट ऑफ बर्थ चेंज होता है कि नहीं होता है। तो देखो दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देना था, क्योंकि दोस्तों देखो यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो बनी है जिसके अंदर बता रहे हैं कि आप अपने श्रम कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को ऑनलाइन चेंज कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि ताकि आप अपने ट्रैक से भटको नहीं, आपको गलत जानकारी ना मिले, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी आपको सही लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे पर बिलीव नहीं है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हो, तभी दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।